अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले एक्टर राजपाल यादव धोखाधड़ी के एक मामले में बुरे फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें लोन न चुका पाने के एक मामले में दोषी करार दिया है। इस केस में राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी और कंपनी को भी दोषी पाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सन 2010 में राजपाल यादव ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए लोन पर लिए थे और उन्होंने इन पैसों से अता पता लापता नाम की फिल्म बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव ने लोन पर लिए 5 करोड़ रुपए वापस नहीं किए, जिसकी वजह से वे अब बुरे फंसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।